गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 हिंदी मीडियम. टुडे आई हैव टू टीच अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ द लेसन 6. आई लाइक गेटिंग खुशी. हियर द गिवन क्वेश्चन. राइट आई सेंटेंस अबाउट कैट. यहाँ जो है कैट के बारे में 5 सेंटेंस लिखना है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं. और बेटा सबसे पहली चीज़ ये बोल रहा हूँ कि आपको बहुत जल्दी ही अपना पूरा जो कॉपी बनाए हो उसको कंप्लीट करके बिल्कुल हमें सेंड करके मोबाइल में भेजना है, जिसे कि आपको करना है. ठीक है, पहले आप देखिए यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखना है कैट के बारे में. कैट इज अ पेट एनिमल. कैट जो होती है एक पालतू जानवर होता है. इट बीम्स एंड रैक्स एंड रन अवे ऑन हियरिंग इट. और वो जो है म्याऊ म्याऊ की आवाज़ करती है कैट. और चूहे लोग उसकी आवाज़ सुन के ठीक है भाग जाते हैं. इट इट्स रैक्स. चूहे को बिल्ली खा जाती है. एंड आल्सो लाइक टू ड्रिंक मिल्क. और जो बिल्ली होती है वो दूध पीना बहुत पसंद करती है. इट इज वाइट ब्लैक और ब्राउन इन कलर. बिल्ली जो होती है वाइट कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है और ब्राउन कलर की भी होती है. ठीक है, तो और मिक्सचर भी होती है ब्लैक एंड वाइट और ब्राउन मिला हुआ भी होती है. इट इज़ नॉट अ फेथफुल पेट एंड इज अ स्विफ्ट एनिमल. और जो है बिल्कुल फेथफुल नहीं होती है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता. क्योंकि आप जानते हैं जब हम बिल्ली को जब हमारा किचन खुला रहता है तो चुपचाप खा के दूर पी जाती है. दैट इज फुल नहीं एंड तो बिल्कुल जो है ना कि यह है कि वो ऐसी है कि देखने में बहुत ही अलग टाइप की लगती है, ड्रावन लगती है, ड्रावन टाइप की लगती है. और सेकेंड क्वेश्चन दिया है राइट 5 सेंटेंस अबाउट काउ. 5 सेंटेंस जो है गाय के बारे में लिखना है. आपको पता है काउ इज आल्सो अ पेट एनिमल. गाय को भी हम पालते हैं. गाय को बहुत ही लोग हिंदू धर्म में गाय की बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है, मान्यता है, पूजा की जाती है गाय की. वी कॉल हर गौ माता एंड वर्शिप हर. और हम लोग क्या करते हैं उसको गौ माता के नाम से पुकारते हैं और उसकी क्या करते हैं हम पूजा करते हैं गाय की. गाय की क्या करते हैं पूजा करते हैं हम सारे हिंदू लोग. द काउ डंग इज यूज्ड इन मेकिंग डंग केक्स. और क्या करते हैं जो गाय का गोबर है वो जिसे बोलते हैं डंक एंड कंडा विच आर यूज एज फ्यूल. जो भी जलाने के काम में आता है गाय के गोबर को हम क्या करते हैं कंडा बनाते हैं और उसको हम जलाने में क्या करते हैं उपयोग करते हैं. काउ डंग इज आल्सो यूज इन मेकिंग गोबर गैस. और जो गाय का गोबर है वो जो गाय का गोबर है डंग है ठीक है उसको हम क्या करते हैं कि गोबर गैस में हम यूज़ करते हैं. मतलब जो गाय का गोबर है ना उसका गैस भी बनाया जाता है जिसको कि हम गोबर गैस के रूप में यूज़ करते हैं. आई हैव माई गौ माता अलाद. हम लोग क्या करते हैं गौ माता को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि गाय बहुत ही यूजफुल एनिमल है. वो हमें बहुत काम आती है, उसका
सारे चीज़ जो है मेडिसिन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, दवाई के रूप में भी हम उसको यूज़ करते हैं। इसलिए जो है गाय की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और जो गोधन अर्क होता है जिसे गोमूत्र बोलते हैं बेटा, वो भी उसके यूरिन जो है बहुत ही फायदेमंद है कई बीमारियों का। वो कई बीमारी के लिए उसकी जो मूत्र होता है एकदम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है और ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसके बाद जो है अब हम आते हैं, एक क्वेश्चन है, देखिए पेज नंबर 45 पे, हियर आर सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू द टू एनिमल्स विच यहाँ पे दिया है, हियर आर सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू एनिमल्स हाँ विच यू नो वेरी वेल द सेंटेंस आर जंबल सेपरेट देम एंड राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। यहाँ पे जो दिया है दो एनिमल्स हैं, हाँ एक जैसे भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है, इधर दिया हुआ है सेपरेट देम एंड राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। फर्स्ट नंबर में दिया है इट वॉचेस आवर हाउस। ये क्या हो जाएगा, ये डॉग हो जाएगा। यहाँ दिए गए डब्ल्यू ए टी सी एच वॉचेस आवर हाउस, ठीक है। और दूसरा में यहाँ दिया है यहाँ प्रोग्राम इट कम्स साइलेंटली in the kitchen and sink and sits the में। ये हो गया और यहाँ दिया है इट इज़ वेरी फेथफुल। ये किसके लिए है, डाक के लिए है, डाक करने को इट इज वेरी फेथफुल। ये डाक हो गया और इसके बाद दिया है इट इज टेंड। ये भी क्या होगा, ये भी डाक में आएगा। It is ten. ये जो है पालतू होता है, इधर दिया है द रैट्स आर अफ्रेड ऑफ इट। क्या होता है जो चूहे लोग होते हैं, चूहे लोग उसे देख के भयभीत होते हैं। तो किससे होते हैं आपको मालूम है, चूहे से होते हैं, ठीक है। चूहा तरफ निकलता है, बिल्ली से होते हैं, बिल्ली तरफ निकलेंगे। और इसके बाद दिया है इट मीन्स इट यू मतलब नाम करती है बिल्ली जो है मालूम है आपको नाम करती है, ठीक है। और इधर दिया है
एक बार कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, तो कुत्ता भौंकता है तो भी बाल छू जाएगा। आयाम कर देंगे वी काल के मौसी को मालूम है, बिल्ली को हम बिल्ली मौसी बोलते हैं, बिल्ली को हम बिल्ली मौसी बोलते हैं। ठीक तो ये जो है हो गया, यही आपको सेपरेट करना था, यही सब जो है आज यहाँ रहेगा। और ये सब बेटा सारे जो है पूरा सिक्स लेसन तक एकदम कंप्लीट करके काफ़ी आपको एकदम रेडी रखना है और हमें सेंड करके भेजना भी है। थैंक यू, गुड डे।